वेलकम टू सहितास कुकरी क्लासेस। मार्केट में हर ठेले और दुकान में आपको कचौड़ी मिल जाएगी, परंतु आपने इतनी टेस्टी राजस्थान की दाल की कचौड़ी नहीं खाई होगी। ये कचौड़ियाँ आलू की स्पेशल सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फुली फुली बनी हुई है कचौड़ियाँ, बहुत ही क्रिस्पी है। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, मैं सारी ट्रिक्स बताऊंगी आपको। मैं एक कचौड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए चारों तरफ मसाला कितने अच्छे से चिपका हुआ है। आज हम स्पेशल आलू की सब्जी के साथ बनाएंगे कचौड़ी को। यह मोट दाल है जिसे ब्राउन स्प्राउट बनाते हैं। यह मोट की दाल है, आपको यह मार्केट में इजीली मिल जाएगी। यह हल्की वाइट येलो कलर में होती है, राजस्थान में इसी से कचौड़ी बनाई जाती है। यदि आपके पास मोट की दाल नहीं है तो आप मूंग दाल से भी कचौड़ी बना सकते हैं। हम मोट दाल में 3 से 4 बार पानी डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। हम इस दाल को कवर करके 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल को भीगते हुए 3 घंटे हो गए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंगल विसल लगा के भी बना सकते हैं या हल्का मोटा ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। दाल भीग कर सॉफ्ट हो गई है, हम इसे 15-20 मिनट उबाल करके बनाएंगे। हम एक कढ़ाई में भीगी हुई दाल और एक गिलास पानी डालकर हम 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। दाल को उबलते हुए 20 मिनट हो गई हैं। अब दाल को चेक करते हैं, दाल हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। कचौड़ी का डो लगाने के लिए एक बाउल में हम 2 कप मैदा, लगभग यह 250 ग्राम है, आधा चम्मच नमक, 1/4 कप तेल, ये 50 ml है, इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, मोइन बिल्कुल ठीक है। इसमें हम 1/2 कप के लगभग गुनगुना पानी लेंगे और इसे हमें सॉफ्ट डो लगाना है। कचौड़ियों का हमेशा सॉफ्ट डो लगता है। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है। हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से नीट करेंगे, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम कवर करके 20 से 25 मिनट इसे रख देंगे। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया हम लो फ्लेम पर कर देंगे, 1/4 चम्मच हींग, 2 तेज़पत्ता डालकर हम कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे। यदि हम साबुत मसाले डाल करके कचौड़ी बनाते हैं तो कचौड़ियाँ फूलती नहीं है, मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम ऐड करेंगे 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम 1/4 कप बेसन डालेंगे, बेसन को हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे उबली हुई दाल, इसका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लिया है। दाल को मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच नींबू सत। इसे कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। यदि आपके पास नींबू सत नहीं है तो आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। इन मसालों को मिक्स करके हम 2-3 मिनट और भून लेंगे दाल को। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल को भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हम दाल को चेक करेंगे, दाल सॉफ्ट हो गई है। अब हम मसाले को ठंडा होने देंगे। अब हम तेज़पत्ते को निकाल देंगे, मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम नींबू से भी छोटे साइज में बॉल्स बनाएंगे। ज़्यादा मसाला भरने से कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, इसी तरह सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमने मसाला बॉल्स बना करके तैयार कर ली है। बचे हुए मसाले को आप फ्रिज में रख कर 2-3 दिन बाद दोबारा कचौड़ी बना सकते हैं। डो को रखे हुए 1/2 घंटा हो गई है। डो को हम 2 मिनट अच्छे से गूंथ लेंगे। डो ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, डो यदि टाइट होगा तो कचौड़ियाँ फूलेगी नहीं। इस डो से आप 8 से 10 कचौड़ियाँ बना सकते हैं। पहले हम 8 लोइयाँ ही काटेंगे। इन लोइयों को हमें कवर करके रखना है। हमें इस तरह से पेड़ा तैयार करना है।
पेड़े की बिग साइड में कोई भी लाइन नहीं बननी चाहिए। इस तरह से हम पेड़े को फ्लैट कर देंगे। अब हम इस पे एक छोटी साइज़ की मसाला बोल रखेंगे। बड़ी साइज़ की मसाला बोल रखने से कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है। अब हम इसे फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे। हमें इस तरह से एक्स्ट्रा रो को निकाल देना है। हम एक्स्ट्रा रो को निकाल देंगे। हम सभी कचौड़ियों को कवर करके रखेंगे, नहीं तो ये फूलेगी नहीं। हमें कचौड़ी को उल्टा नहीं रखना है, अपनी हथेली पे सीधा रखना है और उसको हल्के हाथ से दबा दबा के हम फ्लैट करेंगे। हम कचौड़ियों को कवर करके रखेंगे, ये ड्राई नहीं होनी चाहिए। तेल हल्का गर्म होना चाहिए। जब तेल हल्का गर्म हो तभी कचौड़ी डालनी है। हमें कचौड़ियों को उल्टा नहीं डालना है, इस तरह से हमें सीधा डालना है। यदि आप बड़ी कढ़ाई में तेल डालकर कचौड़ी बना रहे हैं तो आप एक साथ 15-20 कचौड़ियाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे साइज़ की कढ़ाई ली है और कम तेल लिया है, इसलिए मैं 4 कचौड़ियाँ ही डालूँगी। एक बार कचौड़ियाँ बनाने में 15-20 मिनट लगेंगे। कचौड़ियों को अपने आप फूलने देना है, अभी इसे टच नहीं करेंगे। हम इसे लो फ्लेम पर फूलने देंगे। कचौड़ियाँ बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ये अभी भी लो फ्लेम पर फूल रही है, आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी फूलने लग गई है ये कचौड़ियाँ। अभी भी हमने इसे टच नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कचौड़ियाँ फूली है। इसे डीप फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए। हमें 10 मिनट के बाद कचौड़ियों को पलटना है और इसे 8 से 10 मिनट हम और डीप फ्राई करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। कचौड़ियों को दूसरी तरफ से भी डीप फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए। मुझे ऐसा कलर पसंद है इसलिए मैं इसे प्लेट पर निकाल रही हूँ। यदि आपको इसे डार्क कलर चाहिए तो आप 2-3 मिनट और डीप फ्राई कर सकते हैं। ये कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देखिए कितनी फुली फुली बनी है। आज हम चांदनी चौक वाली आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, ये बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। हमने इसमें 6 विसल लगाई है। हम हाथ से तोड़कर इन सभी आलूओं को तैयार करेंगे। एक पैन को गरम करके एक बड़ा चम्मच घी का लेंगे। अब हम लो फ्लेम पर कर देंगे। अब ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, 2 साबुत लाल मिर्च को हम तोड़ के डालेंगे, 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, 1/4 चम्मच हींग, 8-10 कड़ी पत्ते डालकर हम कुछ सेकंड चलाएंगे, 1/2 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर हम 1 मिनट इसे भून लेंगे। सब्जी में अच्छा कलर आए इसके लिए हम टमाटर से पहले ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हम कद्दूकस करके लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट पका लेंगे। टमाटर पक चुके हैं, अब ऐड करेंगे आलू। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलू पर अच्छे से कलर चढ़ जाए। आलूओं को मिक्स करके ही पानी डालना चाहिए ताकि इसे कलर काफ़ी अच्छा आता है। 2 कप पानी डालकर हम इसे 5-7 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी को बनते हुए 8 मिनट हो गए। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच नींबू सत, इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी गाढ़ी हो चुकी है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। आलू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कचौड़ी के साथ सर्व करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
अब हम एक बाउल में कचौड़ी को तोड़कर डालेंगे। इस कचौड़ी पर हम आलू की गर्मा गर्म सब्जी सर्व करेंगे। जो भी इस आलू की सब्जी और कचौड़ी को खाएगा उसका पेट भरेगा, मन नहीं भरेगा, ये इतनी टेस्टी होती है। इस पे एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया से गार्निश करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।